शहीन शाह अफरीदी वापस अपने रिदम में आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है T20 ब्लास्ट में अपनी टीम के लिए। पिछले 10 दिन के अंदर अंदर उसने 7 मैचेस खेले हैं, इतना वर्कलोड मैनेज कर रहा है और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहा है, इम्प्रूव से इम्प्रूव करता जा रहा है। पिछले कुछ मैचेस के अंदर उसको पाकिस्तानी जो फैंस थे वो भी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे शहीन शाह अफरीदी को कि बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, हमें छक्के नहीं चाहिए, हमें छक्के चौके नहीं चाहिए, हमें शहीन शाह अफरीदी की बैटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉलिंग चाहिए जो डेप्थ ओवर में और पहले न्यू बॉल के साथ जो बॉलिंग करता था वो हमें चाहिए। और 2 दिन हो गए, 2 दिन 2 मैचेस के अंदर शहीन शाह अफरीदी ने 6 विकेटें ली हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और अपनी टीम को मैच भी जितवा रहा है और 2 इंपॉर्टेंट विकेटें हासिल की हैं कल के मैच के दरमियान, पहले ओवर्स के अंदर भी और डेथ ओवर के अंदर खूसी, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है शहीन शाह अफरीदी। अगर शहीन शाह अफरीदी रिदम के अंदर वापस आ गया ना तो इंडिया को इस प्लेयर से भी खतरा हो जाएगा, जिस तरह वो नसीम शाह से डर रहे हैं, जिस तरह वो बाबर आजम से डर रहे हैं, जिस तरह वो फ़खर जमान से, इमामुल हक से डर रहे हैं, इसी तरह शहीन शाह अफरीदी से भी डरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शहीन शाह अफरीदी अपनी न्यू बॉल को बहुत ज़बरदस्त स्विंग करता है, यॉर्कर पे अपनी यॉर्कर पे तवज्जो दे रहा है इस वक्त शहीन शाह अफरीदी, और आप इंशाल्लाह बहुत जल्द शहीन शाह अफरीदी रिदम के अंदर वापस आएगा और पहले ओवर के अंदर जो विकेट्स लेता था वो हमने लेके दिखाएगा। अल्लाह ताला शहीन शाह अफरीदी को कामयाब करे। इसी के साथ साथ एशिया कप के हवाले से जो बातें थी वो तो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बता दी थी, लेकिन उसके अंदर जो कल 1-2 दिन से जो न्यूज़ चल रही है, जियो न्यूज़ वालों ने, जो बहुत बड़ा चैनल है, उन्होंने एक चीज़ न्यूज़ दी है जो पाकिस्तान के दरमियान और श्रीलंका फैंस के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं। क्योंकि उसमें हुआ क्या था, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दरख्वास्त की थी कि हमारे साथ जो 2 टेस्ट सीरीज़ खेलने हैं उसके अंदर हम 3 ODIs भी शामिल कर लेते हैं, 3 ODIs हो जाएँ जिससे वर्ल्ड कप की भी तैयारी हो जाएगी और एशिया कप की भी, जिससे कुछ दिन हो गए हैं उसमें ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, ये एक न्यूज़ फैली हुई थी जिसके अंदर यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को 3 वनडे खेलने से इनकार कर दिया है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, वो BCCI के साथ खड़ा हो गया, वो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये जो न्यूज़ है ये मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल गलत न्यूज़ है, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई इसका जवाब दिया है, ना ही श्रीलंका बोर्ड ने इसकी कोई ऑफिशियल अपडेट दिया है और ना ही उनके दरमियान कोई इस तरह की बात हुई है। उनके दरमियान बात चल रही है लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ, इनकी टेस्ट सीरीज से पहले पहले अनाउंस हो जाएगा क्या फैसला होगा, अभी दोनों के दरमियान मुजाकरात चल रहे हैं, अभी उम्मीद है इसका हल अच्छा ही निकलेगा, लेकिन लोग जो है वो गलत न्यूज़ को फैलाकर एक दूसरे के दरमियान नफरत पैदा कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है, इसको रोकना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो तीसरी बड़ी अपडेट है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट चैम्पियनशिप से पहले एक बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है, जोस हेजलवुड जो उनका मेन बॉलर है ज़बरदस्त, इंडिया के खिलाफ तो उसका ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, इंडिया के खिलाफ उसने बहुत ज़बरदस्त एवरेज है, उसकी इकानमी अच्छी है और उसकी टेस्ट के अंदर लाइन एंड लेंथ पे बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, तो वो इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से वो उनकी टीम से बाहर हो गया, जिससे इंडिया को तो एक खुशखबरी इंडिया के लिए है लेकिन बैड न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन में मेरी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया है, उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े खिलाड़ी डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है और मिचेल स्टार्क, ये सारे पैट कमिंस, ये सारे जो ज़बरदस्त बॉलर हैं, ज़बरदस्त इनके पास बैटिंग भी है, बैटिंग ज़बरदस्त है और इनकी एक टीम पूरी है, लेकिन इंडिया के पास इनके ना बॉलर इनके पास ज़बरदस्त है, ये मार खाएगा इंडिया तो बॉलिंग में मार खाएगा, बैटिंग इनके पास अच्छी है, वर्ल्ड क्लास है, लेकिन उसमें भी 2-3 हैं जिसमें विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये थोड़े एक्सपीरियंस है, रविंदर जडेजा है, ये थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, बाकी सारे न्यू है। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम जो फेवरेट है वो ऑस्ट्रेलिया, और जिस ग्राउंड के अंदर मैच होना है वही ग्राउंड है जिसके अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी 2027 का फाइनल हुआ था, और ये सारी इस उस ग्राउंड की जो कंडीशंस हैं वो इंडिया को इतना सूट नहीं करती, इनके बड़े बड़े विराट कोहली की एवरेज बहुत कम है, रोहित शर्मा की एवरेज कम है, तो मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में मुझे जो फेवरेट टीम लग रही है वो ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास मेन उनकी पूरी टीम है, लेकिन जो इंडिया के पास है, इंडिया के पास उनकी मेन टीम नहीं है, उनके न्यू खिलाड़ी हैं, उसमें छुमन गिल एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन अगर वो अच्छा खेल सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की जो पिचेस होती हैं उसके अंदर बाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है, और आप देखते हैं इंडिया के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है छुमन गिल ने, लेकिन अभी पता लग रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन फाइनल के अंदर जब लाखों लोग बैठे होंगे हाउसफुल के सामने, आप किस तरह बैटिंग करते हो बाउंसी पिच के ऊपर, वो आप शुमन गिल का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपने आप को साबित करे कि वो किस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता है।
टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है 7 जून को खेला जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन दोनों टीम्स को देखने के लिए। और आपको क्या लगता है कौन चैंपियन बनेगा, हमें 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कौन हमें विनर मिलेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम।